जय श्री राधा कृष्णा। वृंदावन के प्रेम मंदिर में आपका स्वागत है। मैं आई हुई हूँ वृंदावन के खूबसूरत मंदिर के दर्शन कराने, जो है प्रेम मंदिर। आज मैं इस मंदिर को दिखाने के साथ साथ मंदिर के बारे में सारी जानकारियाँ भी देने वाली हूँ। इस मंदिर में श्री कृष्ण के प्रेम को समर्पित बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां बनी हुई है। तो ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा। ये मंदिर मेन रोड पर ही बना हुआ है और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह है। यहाँ पर हर सीज़न में बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है, चाहे आप जिस भी सीजन में आ जाएं, हर सीजन में यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है। और ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा। इस मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी सन 2001 को जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा किया गया था। 17 फरवरी 2011 में यह मंदिर जनता के लिए खोला गया। इस मंदिर को 1000 मजदूरों द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर में श्री कृष्ण की सारी लीलाओं को दिखाया गया है। यहाँ पर कालिया नाग के ऊपर श्री कृष्ण जी के नृत्य को दिखाया गया है। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी के बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां इस मंदिर में दिखाई गई हैं, जो कि हम सभी का मन मोह लेती हैं। मंदिर इटालियन मार्बल पत्थर से बना हुआ है और इसके चारों ओर लेजर लाइट लगी हुई है, जो हर 30 सेकंड में मंदिर का कलर चेंज करती है। वाकई बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि बस यहीं पर बस जाए।
मंदिर इटालियन मार्बल पत्थर से बना हुआ है। इस झांकी में श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। इस झांकी में श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ दिखाया हुआ है, जिस पे सवार होकर महाभारत का युद्ध जीता गया था। इस झांकी में भगवान की गिरिराज धारण को दर्शाया गया है, जिसमें श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में धारण किया हुआ है। ऊपर से वर्षा हो रही है और ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित है। इसके अलावा मंदिर के चारों तरफ श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाते हुए कई खूबसूरत झांकियां बनी हुई हैं। चलिए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। अभी तो आपने देखा था मंदिर के बाहर का नज़ारा, और अब हम देखेंगे मंदिर के अंदर का नज़ारा। जितना सुंदर बाहर का नज़ारा है, उतना ही सुंदर अंदर का भी दृश्य। Thank you.
पर हमको श्री जगत गुरु कृपालु महाराज की झांकियां बनी हुई भी मिलेंगी, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण श्री जगत गुरु कृपालु द्वारा हुआ था। ये मंदिर चारों तरफ नक्काशियों से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर यहाँ की नक्काशी है। सामने आपको श्री कृष्ण के मनोरम श्री विग्रह के दर्शन, जा रहे हैं मंदिर के सेकंड फ्लोर में। यहाँ पर श्री जगत गुरु कृपालु महाराज जी की स्थापना हुई है, मूर्ति की स्थापना हुई है यहाँ पर, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण श्री जगत गुरु कृपालु द्वारा हुआ था। मंदिर के चारों ओर बेहद खूबसूरत झांकियां बनी हुई हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं को आप देख सकते हैं। और इस मंदिर में श्री कृष्ण और राधिका जी के प्रेम को भी दर्शाया गया है। इस झांकी में श्री कृष्ण जी और राधिका जी नौका विहार कर रहे हैं। इस मंदिर में एक से बढ़कर एक बेहद खूबसूरत झांकियां बनी हुई है, जो आपका मन मोह लेने वाली है।
इस झांकी में श्री कृष्ण और राधिका जी प्रेम से एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और झूला झूल रहे हैं। इसी तरह आपको चारों ओर बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राधे कृष्णा।